यहाँ श्री माता वैष्णो देवी यात्रा जब आप करेंगे ना, यहाँ पे बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस किए हैं। हम अभी पहुँचे हैं बाढ़ गंगा। जय माता दी। ये है अर्धकुमारी, जिसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। जय माता दी। तो हमारे अर्धकुमारी में दर्शन हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। ये देखो सामने है सागर रत्ना, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन चाइनीज वेज रेस्टोरेंट। तो इन्हीं के यहाँ जाएंगे क्योंकि इतनी स्मेल जो आ रही है ना, उसकी वजह से कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो इन्हीं के यहाँ जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ खा के फिर आगे निकलेंगे। शाम के बज गए हैं 6:30। देखो बंदर ऊपर चल रहे हैं और हम चल दिए हैं माता के भवन के लिए। माता जी के मंदिर जाने का रास्ता इधर है, तो इधर से हम जाएंगे। और अभी सनसेट भी शायद हो गया है। देखो लालिमा रेड रेड दिख रही है और यहाँ पे सारे लोग, हाँ बंदरों सावधान तो रहना ही है। ये देखो ये गुफा में लोग सो रहे हैं, टनल बना हुआ है। और ये देखो सभी लोग यहाँ पे बिस्तर लगा के सो गए हैं। हम लोग जब रात में कई बार आए हैं, जब रात में यहाँ पहुँचते ना तो लोग यहाँ पे बिस्तर लगा के सोते रहते हैं। रे 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 रे। देखो 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 यहाँ पे सो रहे हैं, चाहे बंदर बैग वैग लेके कुछ भी भाग जाए। देखो भाई यहाँ पे शायद बंद है रास्ता, हम लोग जाएंगे कैसे? इधर से जल्दी हो जाता था, ऊपर से। ओ माय गॉड, ये बंद क्यों है? आगे रास्ता बंद है, पहाड़ी गिरी है। अच्छा पहाड़ नॉर्थ साइड हुआ है, वापस इधर ही पहुंच गया। वाला रास्ता बंद है तो हम लोग इसी वाले रास्ते से जा रहे हैं। बहुत सोचने विचारने के बाद क्या करें, ना जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं, फाइनल डिसीजन लिए कि चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मतलब कि भवन तो पहुंच ही जाएंगे 12:30 तक, लेकिन बहुत खड़ी चढ़ाई है रे बाबा। इतना कैसे चढ़ाई है, देख के ही डर लग रहा हमको। अरे बोल लो, सच में खड़ी चढ़ाई यार ये। उतरने के लिए ठीक है ये, उतरने के लिए सड़क के उधर, जाने के लिए तो मैं तो नहीं बोलूंगा कि इधर से। कभी भी इधर से नहीं गए, हमेशा ये हाथी मत्ता मार गया है और वो ताराकोट मार गया, तो हमेशा उधर ही वाले रास्ते से जाते हैं जब अर्धकुंवारी आ जाते हैं तो। बट इस बार हम लोग फर्स्ट टाइम इधर से जा रहे हैं, आए तो हैं लेकिन गए नहीं हैं। आने के लिए बेस्ट है, जाने के लिए नहीं। चलो चलो आराम आराम चलो। जय माता दी। चलो सारे लोग जा रहे हैं, सबको देखते देखते चल आराम से निकल जाओगे। देखिए यहाँ से अर्धकुंवारी कितना अच्छा लग रहा है। ओहो मतलब हम जा रहे थे, हमको लगा आप आ रहे हो, हम ऐसे पीछे मुड़े, वो छोटा सा बच्चा हमारे पीछे, उसको देख के हम शॉक्ड हो गए, हम गए आप कहाँ गए। अच्छा हम बच्चा बन गए। सांझी छत वाला रास्ता है ये। खास कोई रुपये होता है वापसी में, रुपये में बैठते चले सर रस नीचे। देखो अमरनाथ यात्रा में जाए बड़ा से बड़ा जनरेटर, छोटा छोटा जनरेटर ऐसे ही पहुंचाते हैं पालकी में। देखो ये बिठाएंगे, भैया लोग थक आराम कर रहे हैं, बहुत भारी है भाई, लग रहा छोटा सा है, जितना ऐसा कद नहीं है उससे एक कम से कम 20 गुना ज़्यादा वजनी है ना। देखो 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 कितना मेहनत करते हैं ये लोग। 7:30 हैं और सनसेट अभी भी नहीं हुआ, सनसेट होने वाला है। कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से, और पूरा कटरा भी दिख रहा है, और इधर देखिए पूरा ताराकोट वाला मार्ग भी दिख रहा है। बट अफसोस कि ये बंद है, हम लोग उधर से जा नहीं पा रहे हैं। और ज़्यादा इधर नहीं दिखाएंगे, नहीं बंदर मामा आएंगे, बोलेंगे लाओ कैमरा हम ब्लॉगिंग करेंगे। बहुत लंबी चढ़ाई है मेरे दोस्त, बहुत लंबी चढ़ाई है। सीढ़ियाँ लेते तो भी था, ऐसे भी है। इसके बाद सांझी छत आएगा, सांझी छत। और एक चीज और बताते हैं, इस वाले रास्ते पे ना दुकानें एक दो जगह हैं, नहीं तो दुकानें नहीं है कुछ खाने पीने के लिए। उधर साइड में जगह जगह पे हैं और श्राइन बोर्ड का भी है, बट इधर नहीं है, इधर है कम है। ये चढ़ाई देखो, बाप रे कैसे गया रोडवा, एक बार ऐसे गया है फिर घूम के ऐसे गया है, सीढ़ियाँ एकदम सीधा है। हाँ सीढ़ियाँ जाओगे सीधा स्वर्ग लोग पहुँचोगे।
ऐसे ही चलो नॉर्मल रोड से। क्या बोल रहे हो? हम कह रहे हैं इधर से हम कभी नहीं आए ना। आए हैं, उतरे हैं, चढ़े नहीं हैं, सीढ़ियों से आए हैं। हाँ सॉरी, सीढ़ियों से आए हम लोग। रास्ता बहुत कंजेस्टेड है, बहुत पतला, इधर तो गाड़ी भी नहीं आ पाएगी। इधर देखिए, ये वाली पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, हम लोग को इस पे चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है, फिर चढ़ना है। लंबा है, बहुत लंबा चढ़ाई है रे बाबा। ये देखो जी, पूरा कटरा दिखाई दे रहा है। जय माता दी, अभी हम सांझी छत पहुंचने वाले हैं। पहुंच चुके हैं सागर सूरी, सांझी छत पहुंच चुके हैं। हाँ थोड़ा सा होगा, 100 मीटर और होगा। यहाँ पे है निशुल्क सेवा हॉस्पिटल, जो कि 24 घंटे चलता है। पहला हॉस्पिटल हमको मिला है जो कि सांझी छत पे पड़ता है, इसके पहले कोई हॉस्पिटल नहीं मिला। तो भाई सांझी छत हम पहुँच चुके हैं, थोड़ी खुशी हो रही, 100 मीटर अभी है, पहुँच के ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि कंचन ने अर्धकुंवारी से गोल बनाया था कि सांझी छत पहले पहुंचना है, क्योंकि उसके बाद तो फिर जब सांझी छत आ गए तो सब लोग आ गए। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भक्तों से निवेदन है कि ये यहाँ पे निशुल्क हलवा प्रसाद ग्रहण करें। यहाँ पे आगे हलवा प्रसाद मिलता है, उसके लिए लाइन लगी है। एक बात बताते हैं, जब दोनों रास्ते चालू थे, जो नीचे वाला रास्ता बंद है, जब वो भी चालू था, इधर से भी चालू था ना, तो लोग अंदर जाके चेयर वगैरह लगी है वहाँ बैठ के प्रसाद खाते थे। लेकिन अभी सिर्फ यही वाला रास्ता चल रहा है, तो इतनी भीड़ लगी है कि देखो बाहर यहाँ तक लाइन लगी हुई है। और पहले यहाँ पे लोग ही नहीं दिखते थे, हम लोग जब इधर से वापस आते थे तो, है ना। और अभी इतने सारे लोग हैं क्योंकि सारा इधर ही से सब जा रहे हैं ना, उधर वाला रास्ता ही बंद है। तो भाई हम चलते हैं आगे। ये देखो, ये सांझी छत है, कितनी भीड़ है यहाँ पे। भैरव घाटी मार्ग 2.6 किलोमीटर। हाँ भवन नहीं दिख रहा, भैरव घाटी, भैरव घाटी का रास्ता वो। वो देखो भवन का वीडियो चल रहा है उसमें, तो मंदिर के अंदर जो गुफा है वही चल रहा था, अभी तो हट गया, उधर से ही पहले जाते थे, अब गुफा बंद हो गया है। अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हो तो यहीं पे हेलीपैड है, सांझी छत से आपको पैदल जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा भवन तक। हेलीपैड यहाँ से आपको भैरव घाटी भवन तक पैदल जाना पड़ेगा। आराम करो कि चले, आराम करो कि चले। टाइम कितना हुआ है? टाइम हो रहा लगभग बज रहे हैं, बताता हूँ, 8:20 हो रहा, 8:30 बज रहे हैं। 10 बजे तक चलेंगे, पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। जय माता दी, हम पहुंचे हैं गौरी भवन, और यहाँ पे देखो सिक्योरिटी चेकिंग हो रहा है, मतलब जो लोग बैग लिए हैं उनका बैग इधर से अंदर लेके जाओ। क्या हुआ था बताइए? बैग खोल कर पूरा चेकिंग कर रहे हैं, मैं कह रहा था रास्ते पर 3 चेक पॉइंट पड़े थे। हाँ वहाँ खाली मोबाइल चला रहे, चेक नहीं किए ढंग से, और यहाँ पे पूरा लाइन लगा रहे हैं, 15-20 मिनट लग गए हम लोगों को। और हाँ, और यहाँ पे देखो रूम अगर आपको लेना है तो यहाँ पे लिस्ट लगा हुआ है प्राइस वाला, टैरिफ। ये देखो कैसे आपको जैसे भी रूम चाहिए, पर्सन पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे लगा हुआ है कि एक बेड कितने का है। अगर आप जो जैसे भी लेना चाहो, 10 लोगों के लिए, 8 लोगों के लिए, पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है टैरिफ। और होटल जो है वो इधर है, इधर पूरा। और अभी भवन 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर भवन है। तो अब हम लोग, वो देखो ये भवन दिख रहा है कि रास्ता दिख रहा है, भवन है यहाँ से। भवन देखो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। ये कंचन तुमको एक चीज दिखाऊं, ये देखो ये रुपए वाला है काउंटर, जहाँ से रुपए जाता है भैरव घाटी। जय माता दी, हम लोग भवन पहुँच गए, सामने है भवन, ये इधर होटल वगैरह, नीचे ये जो दिख रहा है ये वाला, और वहाँ से जो ये दिख रहा है ये वाला लाइन, यहाँ से जाएंगे, यहाँ जूता स्टैंड है, फिर यहाँ से जाएंगे अंदर 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 भवन है, फिर आ जाएंगे दर्शन करके। और इस बार हम लोग अलग रास्ते से आए ना, इसीलिए समझ में ही नहीं आया। और ऊपर भैरव घाटी है, वो देखो रुपये जा रहा ना, वो रुपये सामने, अरे यहाँ से भैरव घाटी बगल में है जी, देखो रुपये वहाँ चला, बस ये आ गया, मतलब ज्यादा ऊपर चलना नहीं, अगर भैरव घाटी आना है तुमको तो। ठंडी लग रही तो हम जाके पाएंगे। तो भाई फाइनली हम माता के भवन पहुंच गए हैं, और सामने दिख रहा है भवन, यहाँ से थोड़ा हम लोग नीचे आ गए ना तो दिख नहीं रहा है, और यहाँ से पूरी मार्केट शुरू है, देखो चमचमाती हुई। दर्शन तो सुबह करोगे? हाँ दर्शन सुबह करेंगे, हम लोग 1 बजे चले थे,
और 9:30 हो रहे हैं ना, 9:30 हो रहे हैं, 9:30 बजे हम लोग पहुँचे सबसे। और ऐसा भी नहीं कि रुकते रुकते आए हैं, लगातार चलते चलते आए हैं, थोड़ा थोड़ा स्टॉप लिया, थोड़ा थोड़ा, दो मिनट बार से जल्दी इस बार हम पहुँचे नहीं, हम लोग कहीं रात में 12 बजे, कहीं 1 बजे, कहीं 3 बजे, कभी ऐसे पहुँचते थे, लेकिन इस बार जल्दी पहुँच गए। तो भाई दर्शन तो हम करेंगे सुबह, अभी पहुँच गए हैं, हम रहने का ठिकाना ढूंढते हैं, हम लोग रात को नहीं दिखे, यहाँ से नहीं दिखेगा कंचन, देखिए कितना मस्त लग रहा है, यही आप फोटो वगैरह में देखते हैं, दूर से इतना सुंदर लगता है। और हम लोग नए वाले रास्ते से आए ना, इधर से आए, अगर पुराने वाले रास्ते से आते तो वो रास्ता नीचे से है, ये यहीं से नीचे से, और इसके ऊपर भैरव घाटी है। तो भाई अभी हम लोग चल रहे हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद रहने का ठिकाना ढूंढते हैं, क्योंकि हम लोग होटल नहीं लेंगे, हम लोग 500 रुपए जहाँ पे देते हम लोग उधर देख रहे थे ना, हमको लगा अभी ज्यादा दूर है, हाँ। इसकी वजह से नहीं, हम लोग वहीं ले लेते, बढ़िया 500। सही बात, चलो खाना ही खा लेते हैं। ये क्या धूप बत्ती है क्या? पंखा चल रहा है, बैठो बैठो उधर बैठो लास्ट में। जय माता दी। तो फाइनली हम लोग माता के भवन पहुंच गए हैं, और हमने आपको भवन दिखाया, इतना भव्य लगता है, इतना सुंदर लगता है, रात में भवन की क्या ही बताएं। और वैसे तो दर्शन हम सुबह करेंगे, आपको भी सुबह दर्शन कराएंगे, दूर से बाहर से माता के दर्शन करा देंगे, और हमको ठंड लग रही थी इसलिए हमने जैकेट पहन लिया, अभी फिलहाल हम आ गए हैं ढाबे पे खाना खाने के लिए। तो ये देखो, ये है लाज, लाज वैष्णो ढाबा, अलग से रसगुल्ला लेना मिल जाएगा ना, अलग से देखो मिठाई लाल, ये थाली छपा इसमें लगा सकता है, थाली में छपा है किस नाम से आईडी है, कंचन व्लॉग, क्या मिलेगा फिर सब्जी, कौन कौन मिल जाएगा सब्जी, मिक्स वेज होगा, शाही पनीर होगा, अरे पनीर वनीर नहीं खाना है, छोड़ दे, मिक्स वेज होगा, राजमा होंगे, कढ़ी होगी, ले लीजिए, ये पुलाव नहीं मिलेगा क्या, क्या मिलेगा ये बताइए, तो आप यही क्यों दे रहे हैं फिर, आप ऐसे बता दो कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। एक काम करो आप, आलू नान ले लो, आलू नान, और आप अंबरसरी नान बता देते हैं, मशहूर नान है अंबरसरी आलू का, हाँ उसके साथ छोले आएंगे, रायता आएगा, चटनी, आप ठीक है ऑर्डर करता हूँ मैं, आप पूछने लगे छोले हैं मेनू कार्ड पकड़ा दिए हैं तो हमने आलू नान ऑर्डर किया था, ये हमारा नान आ गया है, आलू वाला बढ़िया, और इधर है छोले, इधर है रायता, ये है चटनी, राजमा है, ये राजमा है, एक मिनट चटनी राजमा है, कितनी बेकार चटनी है, चटनी मत खाओ ना तुम, चटनी पहले खाए खा गई, चलो उसको खाओ, नान लगा उधर वाली होगी बढ़िया, जैसे वहाँ बटर लगा दिए यार, यही यही गुस्सा लगता है हमको, मना बिना पूछे, वही ना, कैसा है नान, ठीक है, खाइए मस्त है, लेकिन ये लोग लाल मिर्च बहुत ज्यादा डालेंगे। जय माता दी। तो ये देखिए, ये है रोपवे काउंटर, इसी बिल्डिंग से रोपवे जाती है इधर से, पहले हमको लाइन लगाना पड़ता है यहाँ, यहाँ से ऐसे ऐसे होके हम इधर जाते हैं, वहाँ अंदर पैसे जमा होते हैं, फिर नीचे जाके रोपवे में बैठते हैं, और यहीं पे लिखा हुआ है फ्री रहने के लिए, तो हम यहीं जा रहे हैं रहने के लिए। हम जब पिछली बार आए थे यहाँ रुके थे, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कहाँ पर है कहाँ पर है, तो भाई हम आपको बता रहे हैं पूरा। और ये देखो माता का भवन कितना खूबसूरत लग रहा है रात में, जय माता दी, आप लोग दर्शन कर लीजिए यहीं से, सुबह हम अंदर दर्शन कराएंगे, वैसे तो अंदर मोबाइल अलाउड नहीं होता, लेकिन सुबह भी दर्शन कराएंगे हम आपको, जय माता दी, कमेंट में प्यार से जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और ओ तेरी की, हाँ पूरा फुल है, ये देखो भाई, ये है कंबल स्टोर रूम, दुर्भाग्य सभी बंद है, पता नहीं कितने बजे खुलेगा, कितने बजे तक नहीं खुलेगा, 100 रुपये वाल ब्लैंकेट का, 100 रुपये। तो भाई हम लोग जहाँ पे गए थे पहले फ्री धर्मशाला में रहने के लिए, वहाँ जगह नहीं थी, तो अभी एक नया बना है दुर्गा भवन करके, हम लोग यहाँ आ गए हैं, बहुत अच्छी सुविधा है, ये देखो ऐसे बना हुआ है, लोग ब्लैंकेट लेके सो रहे हैं, बट हम काफ़ी देर से ढूंढ रहे हैं कि जगह मिल जाए, अभी तक हमको जगह नहीं मिली है। हाँ नहीं तो कोई नहीं है ना, नहीं पता चले थोड़ी देर में,
देखो भाई फाइनली हमको जगह मिल गई है। अरे यहाँ से कितना बढ़िया दिख रहा है, ये देखो जी सारा सब बाहर का दिख रहा है। तो ये जो दुर्गा भवन है ना, जो माता का भवन है, उसके जस्ट सामने अभी नया बना है। हम लोग पिछली बार आए थे तब नहीं बना था, अभी बना है, बहुत मस्त है। बस ब्लैंकेट मिल जाए तब सो लेंगे, नहीं तो सो नहीं पाएंगे। इतना टाइम लग गया, हम ऐसे ऐसे को लगाते हैं ना बिस्तर, ऐसे ऐसे सर इधर करते हैं, पैर इधर करते हैं। लो पांच ब्लैंकेट आए, कितने के मिले? 500 रुपए का। 500 रुपए चेंज नहीं दे रहा था, पता चार ले रहा था। वैसे जितनी जरूरत होती लेनी चाहिए, मैं चार ही ले रहा था, वो बोल रहे 100 रुपए वापस नहीं मिलेगा, लिख दे रहा था। हम एक काम करो पांच ही ले दो आप। हां सही है कि नहीं? बड़ा है ना, उसको खींच लो ऊपर, ऊपर खींच लो। हाँ उसको तकिया टाइप बना लो। तुम तो लाठी चक्कर में परेशान हो। हाँ वो तो है ही। तो भाई बिस्तर उस्तर लग गया हमारा, अब हम चल रहे हैं सोने। सुबह उठेंगे तब आपसे बात करेंगे। जय माता दी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। तो नहा धो के तैयार हो गए हैं और हम रात में इधर ही रुके थे। ये देखो यहाँ पे जो बना हुआ है दुर्गा भवन। अभी फिलहाल बाहर चलते हैं क्योंकि भैया लोग बाहर भेज रहे हैं, यहाँ धुलाई उलाई का काम होने वाला है। चलें। देखो ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे लिफ्ट भी लगी हुई है। यहाँ पे खाने के लिए तृप्ति भोजनालय भी है, अंदर जाके आप खाना वगैरह भी खा सकते हैं। देखो जी सुबह सुबह बाहर आते ही इतना ज़्यादा क्राउड है, इतना ज़्यादा भीड़, वो इसलिए क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसी की वजह से सब लोग अंदर रुके हुए हैं। और दर्शन करने के लिए भी बहुत लंबी लाइन है उधर से, तो चलते पहले दर्शन कर लेते हैं फिर कुछ खाएँगे पियेंगे। भाई हम दर्शन करके आ गए हैं। देखो इस बार टीका लगा रहे हैं अंदर। जय माता दी, हम माता के भवन के दर्शन करके आ गए हैं। माता के पिंडी रूप में दर्शन हुए यहाँ पे, और यहाँ पे दुर्गा सरस्वती और काली तीन माताओं के पिंडी रूप में दर्शन हुए। और ये जो बना हुआ है ना इसके जस्ट पीछे ही है, वहाँ से जाते हैं ऐसे ऊपर जाते हैं, फिर जो मेन वाली गुफा है उससे एंट्री नहीं दे रहे हैं। जो पुरानी वाली गुफा है, मतलब जो पुरानी वाली गुफा है उससे एंट्री नहीं दे रहे हैं, जो नई वाली गुफा बना है उससे जा रहे हैं। अंदर जाके दर्शन करके सीधा इतनी जल्दी जल्दी वापस भेज रहे हैं ना कि क्या ही बताएं, बहुत जल्दी जल्दी वापस भेज दिया, लेकिन दर्शन हो गए अच्छे से। देखो जी ये है यहाँ का मेन प्रसाद, जो कि मिश्री रहता है और इसमें एक क्वाइन भी रहता है। जिनको जिनको प्रसाद चाहिए कमेंट करके बताइएगा, सबको प्रसाद हम भेज देंगे। फिलहाल दर्शन तो हो गए हमारे, लेकिन बारिश देखो कितनी भयंकर हो रही है, अब हम लोग वापस कैसे जाएंगे? बारिश हमने का नाम नहीं ले रही है, भीगते भीगते चलना पड़ेगा क्योंकि बारिश की वजह से 10 बज गए ऐसे ही। बताइए ये है कॉफी चेस, यहाँ भीड़ हो गया, ज्यादा भीड़ है अंदर लाइन में, भीड़ नहीं है महाराज, बाकी धक्का लाइन में भीड़ नहीं है, लेकिन अंदर बहुत जल्दी जल्दी घर से धक्का दे रहे हैं। जल्दी जल्दी चाय कैसे है, एक कॉफी कैसा है? कॉफी बहुत मस्त है। तो अब हम जा रहे हैं भैरव घाटी दर्शन करने के लिए। कहा ये जाता है कि जब आप माता रानी के दर्शन करो श्री माता वैष्णो देवी के, उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन ना करो तो आपके दर्शन पूरे नहीं होते हैं। तो फिलहाल अभी हम जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन के लिए। भैरव घाटी वो पड़ता है, यहाँ से रोपवे मिल के ऊपर जाना पड़ता है, तो वो हम आपको दिखाएंगे अगली वाली वीडियो में। ये वाली वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको हमारी श्री माता वैष्णो देवी की ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जय माता दी जरूर लिखिएगा। इतनी बारिश में हम आपको दर्शन कराने लेके आए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तभी आपको अगली वीडियो देखने को मिलेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।